यशोमति मैया के नंदलाला। बाबा अभी को बाबा जी क्या होगा, गाल पे भी लगो क्या? किसने मारा मुझे? क्या इसने? जो भी हो प्रतिशोध तो अवश्य लूंगा मैं। प्रतिशोध बाद में लेना महाराज, पहले खड़े तो हो जाओ ठीक से। बाबा जी आप यहाँ क्या कर रहे थे? बिटिया हम तो पीड़ा कम करने के लिए टहल रहे थे, फिर न जाने अचानक ही। अच्छा कोई बात ना है, आप खिचड़ी खा लो, चलो पेट में अन्न जाएगा तो शक्ति मिलेगा। हाँ अच्छा ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं मैया। अभी तो और भी बुरा होगा इनके साथ। खाओ बाबा। हाँ छप्पन पकवान खाने की लत है मुझे, ये फीकी सी खिचड़ी तो गले के नीचे ही नहीं उतर रही। क्या हुआ बाबा, आप भोजन छोड़ रहे हो? आप तो पंडित महाराज हो ना? छोड़ कर रहे हैं, खा तो रहे हम। कैसी लगो खिचड़ी? बहुत अच्छी बिटिया, अद्भुत, अतुलनीय, अति स्वादिष्ट, आनंद आ गया। आनंद तो अब आएगा। बाबा जे लो औषधि, ये भोजन के बाद ही तो खानी थी ना। क्या ये भी खानी होगी? जे जल के साथ खा लो, सुविधा होगी। भविष्य पुराण मत बाचो महाराज, वर्तमान में ही खानी पड़ेगी। अपनी कड़वाहट का स्वाद स्वयं चखा, आया ना आनंद। बाबा अब आप विश्राम करो, संध्या तक आपकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। पीड़ा तो मेरी तब समाप्त होगी जब मेरे यहाँ आने का उद्देश्य पूरा होगा, जब तेरा पुत्र प्राण त्यागेगा तब आएगा मुझे असली आनंद। परंतु ये होगा कैसे? हर समय तो मैया इसे कलेजे से लगाए घूमती है, कब होगा, कैसे हो पाएगा? जब होगा रात्रि का अंधकार तब करना होगा अचूक प्रहार। गर्भ से उसकी आठवीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा।
अपने पापों का प्रायश्चित कर और निर्दोष देवकी और वसुदेव को इसी क्षण मुक्त कर। उतना मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.